नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसी योजना को हम पीएम विश्वकर्मा योजना के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आपने अभी हाल ही में जो योजना सुनी होगी जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना, इसी योजना से संबंधित कुछ तथ्य हैं, कुछ बातें हैं जिसका हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, जो पीएम विश्वकर्मा योजना है इसकी जो घोषणा हुई थी वह हुई थी 15 अगस्त 2023 को, ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई है 17 सितंबर 2023 से, ठीक है। इसी दिन विश्वकर्मा जयंती थी तो इसी दिन इस योजना की शुरुआत हुई है। और इस योजना में परिव्यय है वह कुल 13,000 करोड़ रुपए रखा गया है, ठीक है। तो इस से हमें तीन बातें देखने को मिली। पहला तो इसकी घोषणा हुई 15 अगस्त 2023 को, शुरुआत हुई 17 सितंबर 2023 को, और इस योजना में जो कुल परिव्यय है वह है 13,000 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पीएम विश्वकर्मा योजना के उद्देश्य की, तो इस योजना का जो उद्देश्य है वह है कि कारीगरों एवं शिल्पकारों के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना। जो भी कारीगर हैं या शिल्पकार हैं, जो भी वह उत्पादों का निर्माण करते हैं तो उसकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना और उन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य की श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना, ठीक है। और दूसरा उद्देश्य क्या है कि इस योजना के तहत वित्तीय सहायता, उन्नत कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक डिजिटल तकनीक तक पहुँच प्रदान की जाएगी, ठीक है। इस योजना में वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, उन्नत कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और आधुनिक डिजिटल तकनीक तक पहुंच भी प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें इस योजना से क्या लाभ होंगे तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो इस योजना में जो कारीगर हैं उनको जब इसकी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया जाएगा तो उस समय 500 रुपये प्रतिदिन भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर वह कोई आधुनिक टूल किट होती है वह खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए 15,000 की राशि शासन के द्वारा दी जाएगी। और इस योजना में 3,00,000 रुपए तक का 5% की दर से ऋण प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। अब यह जो 3,00,000 रुपए का ऋण है यह दो चरणों में मिलेगा। पहले चरण में कितना मिलेगा? 1,00,000 रुपए, और दूसरे चरण में मिलेगा इसमें 2,00,000 रुपए, ठीक है। तो इस योजना के यह लाभ हैं कि जब इस योजना में कारीगर को ट्रेनिंग दी जाएगी तो उस समय 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता मिलेगा, आधुनिक टूल किट खरीदने हेतु 15,000 रुपये की राशि मिलेगी और 3,00,000 रुपए तक का 5% की दर से ऋण मिलेगा जो दो चरणों में मिलेगा। एक चरण में 1,00,000 और दूसरे चरण में 2,00,000 की राशि मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब इस पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं उसको भी देख लेते हैं। तो क्या है कि जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है इसके तहत पहले चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो इस योजना में सबसे पहले 18 पारंपरिक व्यवसायों को सम्मिलित किया गया है। और दूसरा क्या बिंदु है कि जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है इसके तहत कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहला तो हो गया कि 18 पारंपरिक व्यवसायों को इसमें सम्मिलित किया गया है और कारीगरों तथा शिल्पकारों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। अब यह जो 18 पारंपरिक व्यवसाय हैं यह कौन कौन से हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इस योजना का जो लाभ मिलेगा वह किस किस को मिलेगा, वह सबसे पहले नंबर पर है कारपेंटर, दूसरे पर है नाव बनाने वाले, तीसरे नंबर पर है अस्त्र बनाने वाले, चार नंबर पर है लोहार, पांच नंबर पर है ताला बनाने वाले, छह नंबर पर है हथौड़ा और टूल किट निर्माता, सात नंबर पर है सोनार,
आठ नंबर पर है कुम्हार, नौ नंबर पर है मूर्तिकार, दस नंबर पर है मोची, ग्यारह नंबर पर है राजमिस्त्री, बारह नंबर पर है डलिया चटाई झाड़ू बनाने वाले, तेरह नंबर पर है पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, चौदह नंबर पर है नाई, पंद्रह नंबर पर है मालाकार, सोलहवें नंबर पर है धोबी, सत्रहवें नंबर पर है दर्जी और अठारहवें नंबर पर है मछली का जाल बनाने वाले। तो यह 18 जो व्यवसाय हैं उसको इस योजना में अभी सम्मिलित किया गया है। तो यह क्वेश्चन पूछेंगे कितने व्यवसायों को शामिल किया गया है, तो अभी 18 लोग जो हैं यानी 18 प्रकार के जो लोग हैं उन्हें इस योजना का लाभ सीधे या किसी न किसी रूप में दिया जाएगा। या तो इसमें आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, ठीक है, या आपको टूल किट खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए जो राशि निर्धारित की गई है 15,000 वह आपको मिल जाएगी, या इस योजना से आप चाहें तो 3,00,000 तक का ऋण ले सकते हैं जो कि 5% ब्याज दर पर मिलेगा। और यह दो किस्तों में मिलेगा, पहली किस्त में 1,00,000 और दूसरी किस्त में 2,00,000, ठीक है। तो इस योजना के बारे में हमने आपको यह जानकारी दी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।